ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਮੋਗਾ ਦੇ 32 ਸਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾ ਕਤਰ 'ਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ੰਕਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ नमस्कार सर हमारे भाई का मौत हो गया हमारा कंपनी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं हमको ना मिलने दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं ना हमको बॉडी दे रहे हैं एक महीना हो गया है इसलिए हम भारत सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारा भाई को जल्द से जल्द कुछ किया जाए हमारे को भी निकाला जाए और हमारे भाई को भी निकाला क्या सूचना मेरा भाई दोहा कतर में रहता था पिछले 9 साल से और छोटा भी वहीं रहता था 4 साल से तो छोटे भाई ने फ़ोन किया था पिछले 10 तारीख को कि बड़े भाई की मौत हो चुकी है कैसे मौत हुई इस घटना का पता लगा आपको नहीं हमें कोई घटना का मालूम नहीं कैसे मौत हुई उनकी अब आप क्या चाहते हो दिक्कत क्या है हम यही चाहते हैं कि भाई की डेड बॉडी यहाँ पर आ जाए क्या आपका जो भाई वहाँ पे रह रहा है उसको शव उसने देख लिया है डेड बॉडी देख ली नहीं नहीं देखी उसने अब आपकी क्या मांग है कहाँ कहाँ पे आप लोग मिल चुके इस मामले में हम कचहरी गए थे डीसी साहब से मिल लेते हैं उन्होंने सिर्फ ईमेल भेजा है जो चंडीगढ़ तक पहुँचा है यहाँ पे तक अब आपकी क्या डिमांड है परिवार वालों हमें यही डिमांड है कि भारत सरकार से यही मांग है कि डेड बॉडी यहाँ तक आ जाए हमारी ये ऐसा है कि विश्वकर्मा प्रसाद है ये माई मेरे पास आई परिवार पीड़ित मेरे पास आया इनका बड़ा बेटा है विश्वकर्मा प्रसाद जो तकरीबन 32 साल का है वो पिछले 9 साल से दोहा कतर में बढ़ई का काम करता था और उनका छोटा बेटा शंकर भी पिछले 4 साल से वहीं रहता है कोई अलमाना उनकी रियल इस्टेट कंपनी है कोई वहाँ की वहाँ पर काम करता था इनके छोटे बेटे का फ़ोन आया पिछले महीने 10 तारीख को कि इनके बड़े बेटे की डेथ हो गई है और ना तो उनको ये पता कि डेथ किस हालात में हुई कैसे हुई और ना ही आज तक उनने छोटे बेटे ने बड़े भाई का शव देखा है और इनके परिवार में पीछे ये माई है इनकी बहन है और एक पत्नी है एक बच्चा है और ये उनको इंतज़ार में है कि कब उनका शव मिले और कब उनका अंतिम क्रिया कर सकें मैं भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से कि कृपया इस गरीब परिवार की मदद करें और विदेश में जो इनका बड़ा बेटा माई का जिसकी डेथ हो गई है उसका शव भारत लाया जाए और कम से कम ये उनकी अंतिम क्रिया कर सके हालातों का पता लगे मोगा तो बिट्टू पूर्वा की रिपोर्ट पंजाब टुडे